दोस्तों कैसे हैं आप लोग। सभी लोग ठीक ही होंगे। आज फिर नया वीडियो बाइक के बारे में लेके आया हूँ, तो आप लोग को बताता हूँ आज के वीडियो में क्या है। पसंद आए तो लाइक तो ज़रूर करें और बहुत ज़्यादा पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर ले। चलिए देखते हैं आज क्या है। आज जो मेरे हिसाब से खबर आ रही है वो है कि पल्सर 125 इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। पल्सर 125 का जो बाइक है पहले से ही पोलैंड यानी यूरोप के कंट्री में चल रहा है। अब के टी एम का 125 सीसी का बाइक देख के उन्होंने भी सोचा कि इंडिया में इसको लॉन्च करना चाहिए, तो वो लोग प्लान कर रहे हैं कि इस साल के अंत तक पल्सर 125 सीसी को इंडिया में लाया जाए। अब वो बाइक में सब कुछ नया ही रहेगा लगभग, जो पल्सर NS160 और NS200 है उसी के टाइप का आपको मॉडल मिलने को देखने को मिलेगा। और इंजन जो रहेगा इसका, पावर जो रहेगा 124.4 सीसी का रहेगा। बाकी बाइक में सब कुछ सही है और जो केटीएम का 125 सीसी का बाइक है उससे तो काफ़ी सस्ती रहेगी और अपनी इंडियन बाइक रहेगी। इस बाइक में कहने के लिए ज़्यादा कुछ तो है नहीं। आप 135 तो देखे होंगे बजाज पल्सर का, उसी के मुकाबले में ये बाइक है और उसको NS60 और NS200 का मॉडल में लाया जाएगा। इसका स्पेक का बात करते हैं, 4 स्ट्रोक का होगा, एयर कूल होगा, 4 वॉल्व सिंगल सिलेंडर के साथ होगा, 124.45 सीसी का इंजन होगा, 12 BHP माइलेज होगा, 11 न्यूटन होगा, न्यूटन टॉर्क होगा, BSI 4 होगा, बोर और सब कुछ ठीक है, 5 गियर बॉक्स होगा इसका। और जो इसका ब्रेक है वो 240 mm डिस्क होगा और एयर ब्रेक जो है 130 mm डिस्क ब्रेक होगा। सस्पेंशन होगा टेलीस्कोपिक सस्पेंशन होगा एंटी फ्रिक्शनल ब्रश के साथ और एयर सस्पेंशन 5-way एडजस्टेबल नैनो शॉक एडजस्टेबल होगा इसके साथ। बाइक तो मेरे हिसाब से सही है। जो KTM हम 1.5 लाख में 125 सीसी का बाइक लेंगे, बस KTM बाइक है तो ही 125 सीसी को बाइक को 1.5 लाख देंगे, क्यों ना हम लोग बजाज पल्सर हमारा इंडियन बाइक जो है उसको दे पैसा खर्च करें। अब वो एक्सपेक्टेड आप लोग को मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेड ये दाम इसका ज़्यादा नहीं है, बहुत कम ही दाम है इसका। लगभग दाम आपको पड़ेगा, अभी मैं बताता हूँ, लगभग 70,000 के आसपास का दाम है इसमें और ज़्यादा तो कुछ है नहीं, 70,000 के आसपास का पड़ेगा इसमें मेरे ख्याल से। और बाकी आप लोग को क्या बताऊँ, इसमें तो ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये खबर आ रही थी कि इसका बाइक लॉन्च होने वाला है और ये साल के अंत तक लॉन्च हो जाएगी। ये यूरोप कंट्री में पहले ही लॉन्च हो चुका है, अब इंडिया में हम लोग को इंतज़ार है। ऐसे बजाज ने ये भी कहा है कि वो 3 बाइक और लाएंगे, एक पल्सर में, एक सिटी सेगमेंट में वो बाइक लाने वाले हैं। आप देखिए बाइक कब तक आती है, बाइक आएगी तो अच्छी रहेगी, जैसे बाइक आएगी वैसे फिर बताएंगे। पर एक बात मैं कहूँगा, KTM 125 मत लीजिए, 150 सीसी में 125 सीसी का बाइक, इससे अच्छा इंतज़ार करके 125 सीसी का बाइक चाहिए तो पल्सर 125 सीसी ही लीजिए, KTM बिल्कुल मत लीजिए 150 का बाइक। यदि KTM लेना है तो 200 का लीजिए, 200 सीसी का बाइक, वो अप्रोक्स 2 लाख का पड़ेगा पर अच्छी बाइक होगा। और 125 सीसी 1.5 लाख KTM का इंजन है तो मत लीजिए, उसमें कुछ नहीं दिया गया है। जो यूरोप का मॉडल है, जो इंडिया का मॉडल है, उसमें काफ़ी अंतर है। ज़्यादा जानकारी के लिए मैं लिंक दे दूंगा नीचे में, और आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना तो भूलें नहीं, कम से कम लाइक तो ज़रूर करें। धन्यवाद। हाँ।